नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आप अपने टेरेस पे अपनी बालकनी में गुआवा प्लांट्स कैसे लगाएं, किस प्रकार उसकी केयर करें ताकि आप भी मेरी तरह अपने प्लांट्स पे इस प्रकार की फ्रूटिंग प्राप्त कर सकें। आप देखते जाइए मेरे प्लांट्स की फ्रूटिंग देखिए, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी टिप्स दूंगा, जानकारी दूंगा, अपना अनुभव शेयर करूंगा कि किस प्रकार मैंने इसकी केयर की और इस प्रकार फ्रूट्स प्राप्त हुए। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो अब तक ईजिली पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने पौधों की केयर करनी चाहिए, खास करके गुआवा प्लांट्स की, जिससे कि हमें अच्छी फ्रूटिंग्स प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है हमें पौध लगाने के लिए मीडिया की, सॉयल मीडिया की ज़रूरत होती है। तो हम सॉयल मीडिया किस प्रकार तैयार करें गुआवा प्लांट्स के लिए, कि आपको चूँकि हम गमलों में पॉट्स में पौधे ग्रो कर रहे हैं तो हमें रिच सॉइल की ज़रूरत होगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो, क्योंकि जब हम ज़मीन में लगा रहे होते हैं पौधे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती है। पौधों में पौधों की जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स मिलती रहती है, पर जब हम गमलों में लगा रहे होते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हमारे पौधे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हमें मीडिया सॉइल जो है, सॉइल रिच बनाना होगा। इसके लिए हमें 50% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, 50% गार्डन सॉइल, थोड़ी मात्रा कोकोपीट की मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, नीम खली पाउडर, बोन मील पाउडर, सरसों खली, और इसके अलावा आप कुछ फंगिसाइड पाउडर का यूज कर सकते हैं तो आपके रूट्स को वो फंगस से बचा के रख सकता है। तो ये हो गई हमारी सॉइल मीडिया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट्स लेके आते हैं तो हमारे प्लांट्स की साइज़ बहुत कम होती है, छोटी होती है, छोटे साइज़ का होता है, और हम उसे ले आके डायरेक्ट बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। जो हमारी साइड रूट्स होती हैं पौधों की, आपको मैं दिखाता हूँ इस प्रकार, ये देखिए दोस्तों, ये जो रूट्स निकल रही हैं, ये रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो जब हम उसे बड़े गमले में पहले ही शिफ्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है कि वो गमले में रूट्स फैल के पूरी तरह से एक जाल बना लेती हैं और फिर रूट्स को फैलने की कोई स्पेस नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये रूट्स कितनी अच्छे से फैली हुई हैं। तो हमें करना क्या होता है कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट्स खरीद के ले आते हैं तो हमें पहले उसे उसकी साइज़ के हिसाब से छोटे पॉट्स या ग्रो बैग्स में शिफ्ट करना चाहिए। उसे 2-4 महीने बाद जब उसमें कुछ ग्रोथ आ जाए तब उसे आप बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जो बड़े पॉट में जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसको स्पेस मिलेगा, रूट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी फैलने के लिए, तो आपका पौधा बूसी होगा। और उसमें जब आपका 2-3 महीने का पौधा हो जाए, थोड़ी ग्रोथ कर जाए, तो आप उसकी कटिंग ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने पौधे की काट छाट नहीं करेंगे तो आपके पौधे में साइड ब्रांचेस बहुत कम आएंगी और साइड ब्रांचेस में वो ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ये मेरा पौधा आप देख सकते हैं, सीधा लंबा जा रहा था, जब मैंने इसमें कटिंग करी तो इसमें कई सारी साइड ब्रांचेस आ गई और उसमें फ्रूट्स भी आ गए। तो पहली चीज़ कि आपको पौधे को डायरेक्ट बड़े पॉट में नहीं लगाना है। दूसरा, अमरूद के गुआवा प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे नॉर्मली लगा के सिर्फ हर 1.5 महीने पे 2 महीने पे कुछ कंपोस्ट देते रहिए और मिट्टी इसकी ड्राई ना हो पूरी तरह से, जड़ें सूखे ना, तो वाटरिंग करते रहिए, पौधा आपका सालों साल चलता रहेगा। इसमें कोई बीमारी भी बहुत ना के मात्रा में आती है। तो ये पहली चीज़ हो गई हमारी। अब दूसरी बात करते हैं हम इसमें कंपोस्टिंग की। दोस्तों, कंपोस्ट हमें इसमें क्या देना है? दोस्तों, कंपोस्ट हमें, देखिए मैं आपको दिखाऊं, सीविड ग्रैनुअल्स, ये हमारी समुद्री शैवाल से, कवक से बना होता है, पौधों में फ्रूटिंग के लिए, पौधों की ओवरऑल ग्रोथ और पौधों में फ्रूट्स लाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। ये
नीम केक, नीम केक आप सभी को पता है, और ऑर्गेनिक इन वो एंटी फंगल का काम करता है, और बोन मील, और इसके अलावा काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को आपस में मिला के करीब एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी बोन मील पाउडर और एक मुट्ठी सीवीड ग्रेन्यूल्स के साथ आप 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मिला के अपनी गमलों में, जिसमें कि आपके पौधे लगे हुए हैं, उसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए, पहले भुरभुरी कर लीजिए ऊपर से, और उसमें एक लेयर डाल के और उसको मिला दीजिए, और फिर उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये तो हो गया आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बाद फ्रेंड्स कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पौधे जब लग रहे होते हैं, ये देखिए मेरे इस फ्रूट पे कुछ माइट्स का अटैक था, तो आपको ये भी केयर करनी है कि आपके फ्रूट्स पे, आपके पौधों पे, ये देखिए, तो इन्हें हटाने के लिए आपको नीम ऑयल या ऑर्गेनिक एंटीसेप्ट का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, जिससे कि आपके फल खराब ना हो, वो ग्रोथ करें, छोटे फल गिर के खराब होके गिर ना जाएं। तो ये 3 जरूरी चीज़ें हैं जो आप अपने अमरूद के गुआवा प्लांट्स में करें, और साल में कम से कम 2 बार तो ये अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे। और दोस्तों गुआवा प्लांट्स को शेडेड एरिया में नहीं रखना है, ये हमारे धूप को पसंद करने वाले पौधे हैं, इन्हें आप ऐसे प्लेस पर रखें जहां कम से कम आपका दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप, डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे इनको, तो ये अच्छा ग्रोथ करते रहेंगे और अच्छी फ्रूटिंग देते रहेंगे। और तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना हो सके इसे आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।